Non-business management, enterprise, emerging, functional areas. देखें जो management का scope है वो हमने three parts में divide किया है. First one is functional area of business management. Second one is functional area of non-business management. And third one is emerging functional areas. अब देखें आपके बिजनेस को एक अच्छी तरह रिप्रेजेंट करें. ये सब चीजें इस
रिसर्च मैनेजमेंट, रिसर्च मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि टाइम टू टाइम आप इनोवेटिव चीजें चेक कीजिए, मार्केट में देखिए कि किस चीज की नीड है, इनोवेशन आप कैसे ला सकते हैं मार्केट में, आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट में कुछ एक नई चीज इन्वेंट करके उसको दूसरों से अलग साबित कर सकते हैं, ये सब चीजें रिसर्च मैनेजमेंट में मैनेज की जाती है। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या कहता है आपका कि आप अगर स्टाफ इंप्लॉय कर रहे हैं तो उनके जितनी भी नीड्स हैं उन सबके बारे में आपके माइंड में रहना चाहिए कि उनको टाइमली सैलरी पे हो रही है या नहीं हो रही, उनको प्रमोशन के चांसेस मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, उनके प्रमोशन किस बेसिस पे हो रहे हैं। इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और क्या कहता है, टाइमली रिक्रूटमेंट हो रही है या नहीं हो रही, रिक्रूटमेंट मतलब टाइमली जिस डिपार्टमेंट को जितना स्टाफ चाहिए क्या वहाँ पे वो पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा, और जिस तरीके का चाहिए मतलब जितना कैपेबल चाहिए, जितने भी स्किल्स चाहिए क्या वो अवेलेबल है या नहीं, ये सिर्फ सब चीज आपके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में चेक की जाती है, वहाँ पे मैनेज की जाती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैनेजमेंट, अगर आपका बिजनेस जो है किससे रिलेटेड है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से, तो जितने नए टैक्स वगैरह किए हैं, बाकी हम करेंगे अभी आगे। देखिए अब अभी हमने फंक्शनल एरिया ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट डिस्कस किया था, अब हम फंक्शनल एरिया ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिस्कस करते उसके आसपास जो लगे हैं
खोली है या मिलिट्री ऑपरेशन आपने शुरू किया हुआ है अपने बिजनेस के अंदर, जिसमें आप क्या है लोगों को मिलिट्री डिजाइनर से रिलेटेड फैसिलिटीज अवेलेबल कराते हैं, उन्हें सेलिंग प्रशिक्षण देते हैं, वो आपकी किससे रिलेटेड है, आपकी मिशन की सिक्योरिटी से रिलेटेड है, वो सिक्योरिटी मैनेजमेंट में आता है। इसके अलावा लो मैनेजमेंट, लो मैनेजमेंट का मतलब कि अगर कोई केस है उसको स्टडी करना, उसके लिए कोई वर्डिक्ट प्रोवाइड करना, एरियाज और यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। ओके, अब हम अपना लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज इमर्जिंग प्रमोशनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। अब जो है हम हमारा लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इमर्जिंग नॉलेज मैनेजमेंट मतलब पर्सनल से रिलेटेड, एचआर से रिलेटेड जो
ready to ask, ठीक है, आप